साथियों, अभी अभी एक मैंने वीडियो देखा है, वो आपको भी मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये बिहार की एक जगह है राजगीर, वहाँ पर एक 3 दिवसीय कार्यशाला अभी हाल ही में लगाई गई है बहुजन समाज की ओर से, जिसमें पासियों का भी बहुत बड़ा योगदान देखने मिला है। और यहाँ पर एक नई चीज़ मैंने ये देखी कि अभी जो वर्तमान सरकार है नीतीश कुमार जी की बिहार में, उससे सब खफा तो है ही, मगर वो किसके पक्ष में है। अब तक ये सोचा जा रहा था कि शायद लालू प्रसाद यादव या कुछ अपना पाला बदल करके बीजेपी में भी जा सकते हैं, मगर ऐसा नहीं। अभी वहाँ पर जो मैंने बातें सुनी उनकी, कुछ युवा भी हैं वहाँ पर, कुछ बुजुर्ग भी हैं, वयस्क भी हैं जो इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं, तो उनके मुँह से सुना वहाँ पर जो TA यानी द एक्टिविस्ट चैनल के वेद प्रकाश जी हैं, उन्होंने ये कवरेज की है, उन्होंने उनसे बात की, तो वहाँ के युवा और बुजुर्ग सभी का एक मत है कि वे बहुजन समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे और मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वे आगे बढ़ेंगे और दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे और सपोर्ट करेंगे पूरा बहुजन समाजवादी पार्टी का। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में और सुनते हैं कि उनके विचार नीतीश कुमार के विरोध में तो हैं, लेकिन किसके पक्ष में हैं और वो क्या कहना चाह रहे हैं। रावण चंद्रशेखर जो है रावण, उनको भी शायद वो अपने पक्ष में ले रहे हैं और उनके साथ कदम से कदम बढ़ा करके चलने वाले हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। पहले करा दिया लो, पहले तो दया जी लालविया के और नीतीश बाग और अबरी पलटी मार दीजिए, सब मिलके कहिए सब पासी एक दने हो जो अबरी कन्ने हो जो लैकन सब रावण रावण कर रहा चचा के कहता है लैकन बुतरू। अरे वो तो वो रावण और चंद्रशेखर, अब रावण बन के रावण का बात होगा, भुला गलो जी, भुला गलो। जो जमीन सरकारी, हाँ जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। बैठन चाचा, खत्म करवे तो उठिया तू। राजगीर में हम है, कैडर कैंप चल रहा है बहुजन समाज पार्टी का, 3 दिवसीय, दूसरा दिन है आज नालंदा बिहार में। क्या नाम हुआ भैया? लिखल चौधरी। चौधरी मने पासी, तब अपनी बसपा में आगे, इसमें चौधरी जी हैं बसपा में, तो खाली चमारे के पार्टी हम सब है। बहुजन मने कुल्ले हो लेने जी, बहुजन मने कुल्ले, तो अबरी चौधरी जी लोग बसपा में वोट देगा? एकदम देते, ताड़ी उड़ी छेबल नहीं दे, सबके ले जाकर जेल में बंद कर देते नीतीश कुमार, छोड़ा उड़ा है ये नहीं, तो क्या देते वोट वोट अबरी नीतीश को? नहीं दीजिएगा? नहीं, एकदम नहीं देते। लालू जी वो दोनों गठबंधन में है, नहीं मिलते वो वोट नहीं। लालू जी ने नहीं जी, हाथी पर, हाँ एकदम हाथी पर, राष्ट्रीय पार्टी है हमनी सबके, एक अबरी सब मिल के बरियार कर देना है। आओ ककरा? मायावती के सपोर्ट करेंगे और केरा नहीं, बस मायावती। पहले करा दिया लो, पहले तो दया जी लालविया के और नीतीश बाग और अबरी अबरी पलटी मार दीजिए, सब मिलके कहिए सब पासी एक दने हो जो अबरी कन्ने हो जो मायावती BSP दने से। हाँ पहले लंटेन में दिया, पहले लंटेने में पड़ा ले। हाँ काहे अबरी पलट गलो? अरे वो कई बार कहूँ कि भाई ताड़ी पर से प्रतिबंध हटा दे, हटा दे, जितना ले जाकर ये पासी के पकड़ के ओरा सबके रेहा कर दे। हाँ। लेकिन कहाँ कर रहे, कहीं नहीं छोड़ा है, रोज पकड़ के ले जाए, 2-4-5 राजगीरों से ले गए पकड़ धकड़ के राजगीरों में जी, तब तो बड़ी दिक्कत कर रहे है। चलते अभी सब मिल के BSP तने दामन थाम लेना है, तो पासी ने वोट देगा, राजद ने देगा, ने नीतीश को देगा, ने भाजपा को देगा, तो देगा कहाँ? BSP के देगा, एक बढ़िया पार्टी को जो है अब से। हाँ बहुत अच्छा पार्टी है, हमने सब सोच ले लियो अबरी। मने मने बोल रहे हो कि सच्चे? मैं सच्चे बोल रही है, हद तेरी के, सच्चे बोल रहे हैं। जखने टिपे एक बारी लालू जी थे, कतुन दे दो वोट पूरा, हम टैक्स फ्री किए थे। हाँ तो पासी के प्रतिबंध हटा दे फिर से, वो जैसे पहले किल किल की तो 90 में जैनाम तो पैदे नहीं हो लियल था कि तो हटेल के लो है सब हमारे बाप दादा छे बछा वाली तार पाड़ी से पढ़ेल के लिखेल के, वैसे करते तो फिर ओकरा मिलते, अरे तो अभी तो मायावती प्रधानमंत्री बनबे करते। उदय नारायण चौधरी ने कुछ करो कीजिए, वो आज ही खत्म हो गए पासी में, कहीं ना ले देखे जी, नहीं उदय नारायण चौधरी अले, नहीं अशोक चौधरी अले है, वो सब कुछ करा है, तोहरो से मिलो एक बार बताओ, तोहर शादी ब्याह में बीत लगा देखा जो एक दो बार खाली गेलो हल आओ कुछ किलको जी। ओहो उदय नारायण चौधरी तो वह तो कर रहे, कुछ अशोक चौधरी तो किसी अपना घर उतर जाए तो अंदर जाल नहीं देता। हाँ तो बस कुछ नहीं करते हम उन्हें सबके लिए, इसीलिए हम लोग सब मिल के अबरी हाथी पर सवार होकर दिल्ली पहुंच जाना है। हाँ एकदम तैयारी कर लेना है। तो खाली रविदास जी दे, नहीं भाई रविदास जी कैसे रहेंगे, राम चौधरी जी है। हाँ। ऐसा का है तू सोच लो, पसमान जी वो रहेंगे, ऐसा थोड़ी के क्यों नहीं है। अब बाबा
बाबा से। की नाम होलो बाबा? हमारा नाम मंगलू चमार हो। हाँ अबरी यहाँ चुनाव आ रहलो? चुनाव से हमने के लेन देन नहीं के, हमने के बहन मायावती के प्रधानमंत्री बनावे के बाद तो हर हाल तो बनावे के बाद बिना चुनाव एक बना दीजिएगा। चुनाव हो ही ना, हमने के चुनावे के कमर कसरे बन जा। अरे मोबाइल बंद कर टिपियन जी। हाँ निहा दीजिए उसको। हाँ हमने के 2024 में, अरे अच्छा बैठो ना पालथी मार के, बहन कुमारी मायावती के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा देवे के बाद कोनो कोर कसर नहीं थे। अभी चौधरी जी बोल रहे हैं कि देंगे वोट बहन जी को। सभी लोग दे, बहुजन समाज पार्टी मैंने हर जाति मैंने 15-85 की लगाई है, 85 के लोग सभी वोट करेंगे। अबरी बारी पलटवार वोट जाएगा। 85 में लालू नीतीश जी नहीं है वोट वाले? हाँ लेकिन अपने को 85 नहीं मानते हैं के लालू नीतीश बहुजन नेता है नहीं है कुछ। लालू जी कहते हैं दलित के मसीहा हैं। मसीहा हैं लेकिन बहुजन समाज पार्टी के तहत नहीं है, वो कट के चलते हैं। बहुत लोग बोलता है कि मायावती जी बीजेपी की मदद करती हैं। नहीं ये गलत है। क्या कहते हैं उसको, बरगलाने वाला लोग हैं जो कि इस तरह का रूमर करते हैं हमारे समाज के लोगों में। दलित की पार्टी खत्म हो जाए ना? खत्म कैसे होगी? बाबा का संविधान आयु खत्म होगा तो बहुजन के लोग काम खत्म होंगे। अबरी बारी हर हालत में कमर कस कर बहन मायावती को वोटिंग करके और पीएम के कुर्सी पर बैठाना है तो बैठाना है। भारत की मजबूरी है बहन मायावती जरूरी है। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। मनोहर काशीराम साहब अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। मनोहर काशीराम अमर रहे। लैकन सब रावण रावण कर रहा है चचा। के कहता है लैकन बुतरू? अरे वो तो वो रावण और चंद्रशेखर, अब रावण बन के रावण का बाद होगा, इसमें दो राज नहीं है। आप बुजुर्ग हाथी जब चौकट लांगी मनुवादी देश से भागी। चाहे गुंडों के छाती पर बटन दबाओ हाथी पर। जोश भर दीजिएगा कार्यकर्ता में जी। और कांशीराम जी के समय वाला एक नारा लगाइए। मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जयश्री राम। कौन जी? अब तो बोला केस हो जाए। अब और एक बोला दूसर आपका बोलिए। भुला गलो जी, भुला गलवा। जो जमीन सरकारी जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जो बहुजन की बात करेगा, जो बहुजन का बात करेगा दिल पर राज करेगा। जोश में है राजगीर में बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता। ये है मंगरू राम। हाँ तो तुम चमारदास से आई राम कहला पर दुविधा हो जाएगी। डो माई के पास है के है आगे भांगी है का है। ऐसे हमारा मंच के नाम मंगरू चमार है। तू जातिवादी है का चाचा? जातिवादी ना है। आप मनुवादी हैं? मनुवादी नहीं है। जातिवादी हैं? नहीं। आपका नाम है मंगरू राम? भीमवादी है ना? भीमवादी मंगरू राम बोलेगा, मंगरू चमार का है बोलेगा ना। तो हमारे मंच के आप कहते हैं हम बहुजन एक हैं। हाँ। नम्मा बतावे घरी कहते हैं मंगरू चमार हैं। हाँ। यहाँ लिखा रहता है मंगरू। हाँ। राम राम है तो पासी में भी लिखते हैं राम लोग। तो जतिया हम थोड़े पूछे, हम नमन पूछे थे। हाँ। मंच के नाम है मंगरू चमार। बहुजन के विचारधारा में डंडी मार देते हैं आप? नहीं डंडी मारने वाले का कंडी कर देते हैं। एगो शिवचंदर राम है वो कहते हैं लालू जी को वोट दिला देंगे सब। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। रविदास चेतन हम खेत में खरिहान में रास्ते पर चाय के दुकान पर जहाँ भी 10 का ग्रुप रहता है वहाँ बहुजन का गीत गाते हैं और बहुजन के मोबिलाइज एगो गीत का हेड कट हमारा गीत ना आए वाला। तो कुछ गाते हैं कांशीराम साहब के यदि चमचागिरी में के एगो खेत है। हाँ सुचंदा राम। हाँ सुचंदा खेल मंत्री थे। आज जीतन राम मांझी चाचा वो तो भगेलू है चला गया भाजपा में। सुमन जी दोनों बापे बेटा उनका के शरण ना मिली। हाँ तो मांझी जी अच्छा नेता नहीं हकीन? अगर होते तो बहुजन के साथ रहते। चमार मुसहर भांगी पासी धुनिया बिनिया नुनिया ये सभी लोग हैं लेकिन अपने को भाजपा में जा करके अपने कुर्सी बरकरार करने के लिए बाप बेटा सुमन जी और दोनों गए हैं। चलिए तो ये चौधरी जी पासी जी। हाँ। ये हैं रविदास जी माने चमार जी। हाँ जी सब बहुजन समाज पार्टी वोट सब सब पूरा जोश में है। तो इसी तरह बने रहे हमारे साथ और भी वीडियो दिखाएंगे बहुजन समाज पार्टी का जो 3 दिवसीय कार्यशाला यहाँ पे ये कैडर कैंप चल रहा है उसका प्रशिक्षण शिविर। बैठा चाचा खत्म कर देता हूँ उठिया तू। हाँ तो पूरा वीडियो कैसा लगा बताए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं क्लिक कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे सब्सक्राइबर ने घंटी बजा कीजिए। बोले जय भीम जय भारत।
तो साथियों देखा आपने ये वीडियो और आपने सुना वहाँ के वक्ताओं को, वहाँ के युवा, वहाँ के एक बुजुर्ग हैं उनको भी। तो ये जो कार्यशाला है इसमें बहुजन समाजवादी पार्टी जो है बसपा उसके सपोर्ट में उन्होंने ये कार्यशाला रखी है। सब बैठे हैं वहाँ पर और इसमें बहुजन समाज के हैं, सिर्फ एक ही जाति के नहीं है, पासी भी इसमें सम्मिलित हैं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये सही है कि मायावती का सपोर्ट करना चाहिए और मायावती यदि प्रधानमंत्री बनेंगी तो जो पिछड़े वर्ग हैं और जो दलित हैं उनका कुछ उद्धार हो सकता है? आप नीचे कमेंट बॉक्स पर अपने विचार जरूर रखिए और ऐसे ही विषय को लेकर अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज।